आपको सीधा लेकर चलते हैं पानीपत, जहां पर शहीद मेजर आशीष को अंतिम विदाई दी जा रही है। गमगीन माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है। पानीपत से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देश में गमगीन माहौल है, शहादत पर सभी की आंखें नम है। अंतिम दर्शन के लिए जनसैलाब यहां पर उमड़ा है। ये तस्वीरें आपको पानीपत से लाइव तस्वीरें दिखा रही है। अनंतनाग में मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए थे। कुछ ही देर में शहीद मेजर आशीष पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर जनसैलाब उमड़ा है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़ में वीरगति को ये जवान प्राप्त हो गए। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें यहां पर विदाई दी जा रही है, जहां एक और परिवार में मातम छाया हुआ है तो वहीं अंतिम दर्शन के लिए भी जनसैलाब उमड़ा है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए पानीपत के शहीद मेजर आशीष का पार्थिव शरीर उनके पानीपत के आवास स्थान पर लाया गया और अब कुछ ही देर में उनका दाह संस्कार किया जाएगा। अंतिम यात्रा में लोगों ने शहीद को सल्यूट किया। शहीद मेजर आशीष चौधरी को अंतिम विदाई उनके पैतृक गांव भिंजोल में यहां पर दी जाएगी और उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव जहां लाया गया और उसी के साथ ही ये सीधे तस्वीरें आप पानीपत से देख रहे हैं। जनसैलाब यहां पर उमड़ा हुआ है। राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। पूरा गांव उनके स्वागत के लिए यहां पर तैयार रहा। पूरे गांव ने भारत माता के जयकारे लगाए। गांव के युवा मोटरसाइकिलों के जत्थे के साथ पार्थिव शरीर के आगे जुलूस के रूप में भी चले। तीन बहनों में इकलौते भाई मेजर आशीष थे। उनकी बहन उन्हें पूरे रास्ते सल्यूट करती हुई नजर आई। पूरी अंतिम यात्रा में उनकी मां हाथ जोड़े हुए नजर आई। अंतिम विदाई की यहां पर तैयारी की गई। कुछ देर में शहीद मेजर आशीष पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। अनंतनाग में मुठभेड़ के दौरान मेजर आशीष शहीद हुए। हरियाणा के दो जवान इस मुठभेड़ में शहीद हो गए हैं। शहीद मेजर आशीष को आज अंतिम विदाई। क्षेत्र में माहौल गमगीन है। जनसैलाब उनके अंतिम दर्शन के लिए यहां पर उमड़ा। गांव के युवा मोटरसाइकिलों के जत्थे के साथ पार्थिव शरीर के आगे जुलूस के रूप में चले। पूरा गांव शहीद आशीष को सल्यूट करता हुआ दिखाई दिया। मुठभेड़ में एक और जवान यहां पर हरियाणा से शहीद हुआ और शहादत पर सभी की आंखें नम है। लाइव तस्वीरें आप पानीपत से देख रहे हैं। आपको बता दें कि पूरे क्षेत्र में माहौल गमगीन है। शहीद मेजर आशीष के अंतिम दर्शनों के लिए जनसैलाब यहां उमड़ा है। बड़ी क्षति यहां पर देश को और परिवार को झेलनी पड़ी, जहां देश के लिए मेजर आशीष शहीद हो गए। उनके परिवार के लिए काफी दुखद घड़ी ये मानी जा रही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़ में वीरगति को
मेजर आशीष प्राप्त हुए और पानीपत के शहीद मेजर आशीष का पार्थिव शरीर उनके पानीपत के आवास स्थान पर लाया गया। कुछ ही देर में उनको अंतिम यहां पर विदाई दी जाएगी, दाह संस्कार उनका किया जाएगा। पूरे क्षेत्र में माहौल गमगीन है, शहीद मेजर आशीष के अंतिम दर्शनों के लिए जनसैलाब यहां उमड़ा है। आपको बताते चले कि शहीद मेजर आशीष धोने को अगले महीने अपने नए घर में शिफ्ट होना था, लेकिन उससे पहले ही परिवार में मातम छा गया। उनका परिवार अभी तक किराए के घर में रह रहा था। उन्होंने हरियाणा के पानीपत में 3 मंजिला घर बनवाया था और 23 अक्टूबर अपने जन्मदिवस के मौके पर गृह प्रवेश का कार्यक्रम था, लेकिन अब उस घर में आशीष का पार्थिव शरीर ले जाया गया। शहीद बेटे के अंतिम विदाई यात्रा में मां हाथ जोड़ती हुई दिखाई दी, तो वहीं उनकी बहन उन्हें सल्यूट करते हुए दिखाई दी। अंतिम दर्शन के लिए भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे, जन सैलाब यहां पर उमड़ा हुआ है। राजकीय सम्मान के साथ मेजर आशीष को विदाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के साथ ये मुठभेड़ में पानीपत के लाल मेजर आशीष ढोंचक शहीद हुए और अब उनका शरीर उनके पैतृक गांव भिंजो लाया गया। आज उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। शुक्रवार को आपको बता दें सुबह से ही उनके पार्थिव शरीर को उनके TDI सिटी स्थित नए घर में लाया गया, जिसे उन्होंने बनवाया था और जिसमें वो शिफ्ट होने वाले थे। 23 अक्टूबर को गृह प्रवेश था और आज उनका पार्थिव शरीर वहां पर ले जाया गया। शहीद मेजर आशीष के सपनों के मकान में हजारों की संख्या में लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सुबह पहुंचे और अब अंतिम विदाई देने के लिए उनके पैतृक गांव भिंजोल में जनसैलाब उमड़ा है। अंतिम दर्शन के लिए यहां पर जनसैलाब उमड़ा है। युवा मोटरसाइकिल पर आते हुए उन्हें सल्यूट करते हुए दिखाई दिए और उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। हजारों की संख्या में यहां पर जनसैलाब उमड़ा, हजारों की संख्या में यहां पर लोग उपस्थित हुए। मेजर आशीष की पत्नी, बेटी, मां और पिता का रो रो कर बुरा हाल है। अंतिम दर्शन के लिए जनसैलाब उमड़ रहा है, जिसके बाद आपको बता दें सैन्य अधिकारी और परिवार वाले मेजर के पार्थिव शरीर को लेकर गांव भिंजोल पहुंचे हैं। कुछ ही देर में मेजर का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। मेजर के अंतिम यात्रा को पानीपत शहर के बीच बाजार से निकाला गया ताकि शहरवासी मेजर आशीष के अंतिम दर्शन कर सके। तो वही गांव के युवा मोटरसाइकिलों के जत्थे के साथ पार्थिव शरीर के आगे जुलूस के रूप में चले और भारत माता की जयकारे जयकारे लगाते हुए नजर आए। तो वहीं इसके अलावा मुख्य गलियों में तिरंगा भी लगाया गया, फूल मालाओं से सुसज्जित।
फूल मालाओं से सुसज्जित पार्थिव शरीर को लेकर ग्रामीणों का काफिला तिरंगे के साथ वंदे मातरम शहीद मेजर आशीष अमर रहे के नारे लगाते रहे और शहीद मेजर आशीष को यहां पर सलाम दिया गया। कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। फूल मालाओं से सुसज्जित पार्थिव शरीर को लेकर ग्रामीणों का काफिला तिरंगे के साथ वंदे मातरम शहीद मेजर आशीष अमर रहे के नारे लगाता हुआ पहुंचा। देश पर जान कुर्बान मेजर आशीष ने की और अंतिम दर्शन के लिए चंद सैलाब उमड़ा। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं पानीपत से। गांव बिंझोल में शहीद का अंतिम संस्कार किया जाएगा। थोड़ी ही देर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहीद की पत्नी माँ बेटी और पिता का रो रो कर बुरा हाल है। गांव का माहौल गमगीन है। देश पर जान कुर्बान कर गए मेजर आशीष। कुछ ही देर में उनका दाह संस्कार किया जाएगा। 36 साल के थे शहीद मेजर आशीष। यहां सेना ने उन्हें सलामी दी। उनकी पत्नी माँ बेटी और पिता का रो रो कर बुरा हाल है। अनंतनाग में मुठभेड़ के दौरान मेजर आशीष शहीद हुए थे। देश के लिए मेजर आशीष ने अपनी जान न्यौछावर कर दी। अब मेजर आशीष को मुखाग्नि यहाँ पर दी जा रही है। शहीद मेजर आशीष को मुखाग्नि दी जा रही है। कुछ ही देर में अंतिम संस्कार। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। क्षेत्र में माहौल गमगीन है। कुछ ही देर में पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे शहीद मेजर आशीष। शहीद को मुखाग्नि यहां पर दी जा रही है। Thank you.
पानीपत जो गांव बिनछोल सिजा पर जम्मू कश्मीर के अंदर हमला किया गया सेना पर। उस हमले में कर्नल मनप्रीत सिंह जो हरियाणा के पंचकूला के रहने वाले थे उनको गोली लगती है। यहाँ पर शहीद मेजर आशीष अमर रहे के नारे लगाए जा रहे हैं, मुखाग्नि उनको यहाँ पर दी गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं गांव बिनछोल, उनका जो पैतृक गांव है वहां पर शहीद का दाह संस्कार किया गया। शहीद मेजर आशीष अमर रहे के नारे लगाए जा रहे हैं। फूलमालाओं से सुसज्जित पार्थिव शरीर को जहां ग्रामीणों का काफिला लेकर उनके पैतृक गांव पहुंचा तो वहीं पंचतत्व में शहीद आशीष विलीन हो गए हैं। गमगीन माहौल में उनको अंतिम विदाई दी गई। आशीष की पत्नी बेटी मां और पिता का रो रो कर बुरा हाल है। क्षेत्र में माहौल गमगीन है। 23 अक्टूबर को अपने नए घर में शहीद अपने परिवार के साथ शिफ्ट होने वाले थे। 23 अक्टूबर को गृह प्रवेश था और आज उनका पार्थिव शरीर उस घर में ले जाया गया। शहादत को कुर्बान शहीद मेजर आशीष, इस शहादत पर सभी की आंखें नम हैं। अंतिम उनके दर्शन के लिए जनसैलाब उमड़ा। भारत माता के जयकारों के साथ ही शहीद मेजर आशीष अमर रहे के नारों से उनको अंतिम विदाई दी गई। उनकी बहन उनको अंतिम विदाई में सल्यूट करती हुई पूरे रास्ते नजर आई। शहीद की मां उन्हें हाथ जोड़ते हुए उन्होंने अंतिम विदाई दी और यात्रा में शामिल हुई। देश पर जान कुर्बान कर गए मेजर आशीष। आपको बता दें कि मेजर 36 साल के थे, जहां पर उनकी एक बेटी भी है। उनकी बेटी माँ पत्नी और पिता का रो रो कर बुरा हाल है। इस शहादत का देश हमेशा कर्जदार रहेगा। शहीद मेजर आशीष अमर रहे के नारे यहां पर लगाए जा रहे हैं। अनंतनाग में मुठभेड़ के दौरान मेजर आशीष शहीद हुए थे। देश के लिए जान उन्हें न्यौछावर करती। भारत माँ का एक और लाल पंचतत्व में विलीन हो गया। नम आंखों के साथ मेजर आशीष को अंतिम विदाई दी गई।